हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज हम लोग लहसुन का चटनी बनाएंगे जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और बनाना बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। और आपने ऐसा लहसुन की चटनी आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी, तो एक बार इस तरीके से बना करके खाएं, आप लोग सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो इससे पहले ये देख लीजिए मैंने क्या गलती किया है जो कि आप लोग को नहीं करना है। तो चलिए उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हम लोग को क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लहसुन ले लिया है, तो आपको जितना क्वांटिटी में बनाना है उतना आप लहसुन ले लीजिए। तो यहाँ पे मैंने दो बड़ा सा पोट ले लिया है और उसको मैंने छील लिया है। और इस चम्मच की सहायता से मैंने चम्मच का साइज़ दिखा दिया है। और साथ में मैं आपको ये फ़ौरन बता देती हूँ, जीरा है, सरसों और मेथी है, तो इसका हम लोग फ़ौरन डालेंगे। और मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर लिया है 2 चम्मच और कश्मीरी मिर्च 2 चम्मच है और थोड़ा सा मैंने हल्दी लिया है। इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले लहसुन को कूट लेंगे। तो आपको जितना बनाना है उसके अनुसार बनाएं, क्योंकि चटनी तो बस थोड़ा सा है। और इसमें कश्मीरी मिर्च आपके पास अगर गोटा वाला है तो उसको हम लोग पानी में फुला लेंगे, फुलाने के उसको हल्का दरदरा करके पीस लेंगे। तो चलिए हम लोग लहसुन को भी अच्छी तरह से कूट लेते हैं। तो मैंने दरदरा जैसा ही कूट लिया है, ज़्यादा बारीक नहीं किया है। और हम लोग इसे बनाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बर्तन में, कटोरी में हम लोग क्या करेंगे, सारे लहसुन को हम लोग डाल लेंगे, इस तरीके से डाल लेना है। और हम लोग क्या करेंगे, जो मसाले हम लोग यहाँ पे रखे हुए हैं इसको भी हम लोग डाल देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मिर्च जो है, कश्मीरी मिर्च तीखा, इसका कलर बहुत अच्छा आता है। और ये चटनी आप थोड़ा सा ही खाएंगे, तीखा चटपटा इतना अच्छा लगता है ना खाने में कि आपको उसमें एक्स्ट्रा और कुछ खाने का, सब्ज़ी का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। और हम लोग क्या करते हैं, इसको पानी डाल करके हम लोग इसको फूलने के लिए डाल देते हैं ताकि मसाला अच्छी तरह से उसमें फूल जाए। और हम लोग इसको एक साइड में करके रख देते हैं। अब हम लोग चलिए क्या करते हैं, एक यहाँ पे मैंने बर्तन मैंने चढ़ा दिया है, आप कुछ में भी बना, कढ़ाई में बनाइए, चाहे यहाँ पे मेरे पास सॉस पैन था तो इसी में हम लोग डाल के बना लेंगे, तड़के वाला पैन। तो इसी में मैंने तेल डाल दिया, तेल जब हल्का गर्म हो जाएगा तब हम लोग इसमें जो मैंने फ़ौरन निकाला वो हम लोग डाल देंगे। तो तेल का क्वांटिटी यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ का चम्मच मैंने तेल डाला है। जब ये चटक जाए तब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो मैंने मसाला का घोल बनाया था वो हम लोग डाल देंगे। तो यहाँ पे मुझसे क्या गलती हुआ मैं आपको बता देती हूँ। जब ये मैं मसाला का घोल डाल रही थी तो मुझे पैन, जो सॉस पैन में की जो करछुल था इसको हम लोग को साइड करके डालना चाहिए था, तो ये गलती से मैंने मैं डायरेक्ट डाल दिया जिसकी वजह से ऐसे आग लग गया। तो देख सकते हैं आप लोग ऐसा गलती ना करें, और ऐसा होता है तो उसको फूंक करके आप बता देंगे तो बुझ जाएगा, पानी में डालने का गलती ना करिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अब हम लोग इसको धीरे धीरे हम लोग पकाएंगे, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो मैंने रखा है। और इसको इस तरीके से मिलाते रहना है, चलाते रहेंगे। तो मैं आपको दिखाते रहती हूँ कि किस तरीके से थोड़े थोड़े देर में इसका मसाला का रंग कैसा होता है और हम लोग बीच में कुछ कुछ जो मसाले हैं डालेंगे जिसका टेस्ट, इसका फ्लेवर बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जब ये अच्छे से पकने लगेगा इसको हम लोग अच्छी तरह से मिलाते रहेंगे ताकि नीचे चिपके नहीं। तो इसको हम लोग अच्छी तरह से मिला देते हैं। फिर थोड़ी देर ढक छोड़ देने के बाद इस तरह से देखिए तेल धीरे धीरे छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। और हम लोग क्या करेंगे, इसमें आमचूर पाउडर डाल देंगे। तो उसी चम्मच से मैंने आधा चम्मच आमचूर पाउडर मैंने डाला है, इससे हल्का खट्टा बनाएगा और टेस्टी लगेगा। तो इसको अच्छी तरह से मिला देते हैं। अच्छी तरह से मिला करके हम लोग, आप चाहे तो इसको ढक ढक के भी भून सकते हैं ताकि मसाला अच्छी तरह से पक जाए। जब इसका तेल सेपरेट होने लगे समझिए कि मसाला अच्छी तरह से पक गया है, पक रहा है। तो साथ ही में हम लोग क्या करेंगे, इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल देंगे। और इसको अच्छी तरह से हम लोग मिला देते हैं। इसी तरह हम लोग इसको पकाएंगे। हम लोग को पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसको बनाने में 10 से 15 मिनट में बन के बिल्कुल रेडी हो जाता है। तो
तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं लहसुन दबा के देख रही हूँ कि हल्का गला है कि नहीं। तो चलिए इसको थोड़ी देर हम लोग और पकाएंगे। इसको हम लोग क्या करते हैं, ढक देते हैं, क्योंकि ढकने से बहुत जल्दी पकता है। तो देखिए फिर थोड़ी देर के बाद, जब थोड़ी देर के बाद मैंने क्या किया, ढक्कन हटा दिया है और साथ में थोड़ा सा कसूरी मेथी को डाल देंगे। तो देख सकते हैं तेल कैसा सेपरेट होने लगा, यानी मसाला बहुत अच्छी तरह से भुंजा चुका है। और हम इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। तो देख सकते हैं बन के बिल्कुल रेडी है। अब हम लोग क्या करेंगे, धनिया पत्ता छीटेंगे और हम लोग गैस का फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये बन के बिल्कुल रेडी है। आप इसको रोटी चाहे दाल चावल के साथ खाइए, आपको इसमें अलग से सब्जी लेने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा ये चटनी टेस्टी और तीखी ये चटपटी लगती है। तो देख चलिए मैं चटनी बन के बिल्कुल रेडी है, आप लोग भी बनाइए, आप लोग भी खाइए और इन्जॉय करिए। और साथ ही प्लीज़ आप लोग बताएँ कि आप लोग को कैसा मेरा रेसिपी लगता है। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं वीडियो देखने, थैंक यू।